हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मालविया कैट सॉल्यूशन। आज हम बनाने वाले हैं कपल फ्लेंज, जो कि इसमें सारे पार्ट्स हम पहले क्रिएट करेंगे, उसके बाद इसे असेंबल करेंगे, फिर इसको एक्सप्लोर करने के बाद एनिमेशन क्रिएट करेंगे इसका। तो हम किस तरह से ये बना रहे हैं, कैसे क्या है, हालांकि कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन नहीं है, लेकिन बिगनर्स को बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है ये ट्यूटोरियल। तो आप ध्यान से देखिए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए, सबसे पहला पार्ट हम ये बड़ी वाली फ्लेंज क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले हम फ्रंट प्लेन सिलेक्ट करेंगे, फिर एक सेंटर लाइन, फिर से एक लाइन, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, ओके। इस लाइन को सिलेक्ट करना है, फिर ओरिजिन लाइन के पॉइंट को सिलेक्ट करने के बाद मिड पॉइंट, इस लाइन का पॉइंट, ओरिजिन का पॉइंट एंड मेक रिलेशन वर्टिकल। अब डायमेंशन अप्लाई कर देते हैं इसके। तो इसका मेन डायमीटर जो है वो है 2.5। इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे, इस लाइन को सिलेक्ट करने के बाद मिड लाइन, मिडल लाइन है जो सेंट्रल लाइन है हमारी, उसके क्रॉस जाएंगे तो ये पूरा डायमीटर का डायमेंशन आपको शो होगा। अगर इस लाइन के ऊपर रहेंगे तो हाफ डायमीटर होगा। तो हम फुल डायमीटर क्रिएट करते हैं 2.5। ये है 140। लेंथ और इसकी है 32। अंदर का होल रफ साइज है 40 mm। ओके, फीचर में जाना है, रिवॉल्व बॉस बेज एक्टिवेट करना है। इसकी एक्सिस लाइन ऑटो सिलेक्ट हो चुकी है और ओके कर दीजिए इसको। इसका अपीयरेंस सेट कर देते हैं हम स्टील। सेट इन फिनिश। मेट स्टील रख देते हैं हम, और इसका कलर चैम्फर 2 mm ऑन दिस कॉर्नर, और दूसरी वाली चैम्फर है 1 mm। बिग डायमीटर पे जो हमने चैम्फर लगाई है वो है 1 mm। अब इस फेस को सिलेक्ट करेंगे और इस पर एक स्केच क्रिएट करेंगे, सेंट्रल सर्कल क्रिएट करेंगे जिसका डायमीटर होगा 190 mm। सिलेक्ट दिस सर्कल और फॉर कंस्ट्रक्शन, ये हमने कंस्ट्रक्शन सर्कल क्रिएट किया है। अब होल यहाँ पे क्रिएट करने हैं हमें 8 होल। होल का डायमेंशन है
31 mm। फीचर में जाना है और एक्सट्रूड कट अप्लाई करना है, ब्लाइंड कंडीशन अप टू नेक्स्ट और ओके। सर्कुलर पैटर्न में जाना है, इसका डायरेक्शन ये ऊपर वाला डायमीटर हम सिलेक्ट करेंगे, फीचर होल 8 नंबर ऑफ पैटर्न ओके। तो फर्स्ट पार्ट हमारा क्रिएट हो चुका है, इसको सेव कर देते हैं। हम डेस्कटॉप पे ही सेव कर देते हैं इसको। ये है हमारा कपल फ्लेंज नंबर 1, ये फर्स्ट नंबर की फ्लेंज हमारी क्रिएट हो चुकी है। अब इसको क्या करना है, इसी में ही दूसरी फ्लेंज को एडिट कर देते हैं, क्योंकि उसके डायमेंशन थोड़े बहुत आगे पीछे होंगे। तो इसके लिए हम जाएंगे रिवॉल्व एडिट स्केच, इसके डायमेंशन थोड़े सेट कर देने हैं हमें, 40 का तो होल ओके है, 140 डायमीटर ओके, 58 की जगह इसको 70 mm लेंथ इसकी होगी, कॉलर 32 की जगह 19 mm। दूसरा एज इट इज रखना है, कोई आगे पीछे करना नहीं। और होल के लिए हम वापस जाएंगे कट एक्सट्रूड एडिट, होल हमारा होगा 16 mm ओके। तो सेकंड फ्लेंज भी हमारी क्रिएट हो चुकी है। सिंपली आपको इसको सेव ना करके सेव एज करना है, सेव एज, सेव एज करके 01 की जगह 02 कर दीजिए। तो हमारी दोनों फ्लेंज क्रिएट हो चुकी है। अब हम इसका स्टेप बोल्ट बनाएंगे। तब दूसरा ये हम स्टेप बोल्ट बनाएंगे, इसके लिए सिलेक्ट करेंगे फ्रंट प्लेन स्केच और एक सेंटर लाइन क्रिएट करेंगे। सेंटर लाइन को सिलेक्ट करके ओरिजिन पॉइंट कंट्रोल की दबा के मिड पॉइंट कर देना है, तो लाइन सेंटर में आ जाएगी। फिर से लाइन की लेंथ है 42 mm। दिस इज 45। ओके। इसका डायमीटर है 19 mm और इसका डायमीटर है 16 mm। यहाँ पे थ्रेड आएंगे अभी, पहले हम इसको रिवॉल्व बॉस बेस का फीचर अप्लाई कर देते हैं। चैम्फर 1 mm स्पेस पे, फिर से चैम्फर 0.5 mm, ओके। फेस को सिलेक्ट करना है स्केच और एक यहाँ पे हेक्सागोन हमें क्रिएट करना है। हेक्सागोन की साइज है 21 mm ओके। फीचर में जाना है एक्सट्रूड बॉस बेस, अप टू 7 mm।
ब्लाइंड कंडीशन रिवर्स। फिर से स्केच सर्कल क्रिएट करेंगे, यहाँ पे चैम्फर हमें अप्लाई करनी है, फीचर में जाना है एंड एक्सट्रूड कट, एक्सट्रूड कट में हमें यहाँ ड्राफ्ट एक्टिवेट करना है, यहाँ पे 45 डिग्री फ्लिप साइड, हमें ये साइड कट करनी है, थोड़ा साइज इंक्रीज कर दीजिए। देखिए यहाँ पे हमारी चैम्फर अप्लाई हो चुकी है। अब हमें यहाँ पे थ्रेड क्रिएट करने हैं, तो जाना है होल विजार्ड में और थ्रेड सिलेक्ट करने हैं। इसका लोकेशन थ्रेड यहाँ पे हमें क्रिएट करने हैं, तो ये वाला सर्कल क्रिएट करेंगे। इसकी लेंथ है ब्लाइंड 24 mm, मैट्रिक डाई 16x2 mm थ्रेड, और ऑफसेट 3 mm, रिवर्स साइड एंड मेंटेन थ्रेड लेंथ। ओके, तो 24 mm में हमने थ्रेड क्रिएट कर लिए। इस थ्रेड को थोड़ा सा इसकी फेस को सिलेक्ट करने के बाद स्केच और कन्वर्ट एंटिटी, फीचर में जाना है, एक्सट्रूड कट और ब्लाइंड कंडीशन अप टू नेक्स्ट। तो ये थ्रेड कुछ ऐसा दिखेगा, थोड़ा लुक वाइज अच्छा दिखेगा। ओके, हमारा ये पार्ट भी क्रिएट हो चुका है, इसको भी अपीयरेंस हम दे देते हैं। ब्रश टिल कलर कार्बोराइजिंग ये बोल्ट होगा, इसके लिए इसको हम गोल्डन कलर इसको अप्लाई करते हैं 200x175 0। से सेव कर देते हैं। कपल बोल्ट सेव। टॉप प्लेन सिलेक्ट करें, यहां पे हम स्पेसर बनाएंगे इसका वॉशर, तो टॉप प्लेन सिलेक्ट करेंगे, दो सर्कल क्रिएट करेंगे, इसके डायमेंशन है 30 mm डायमीटर और इसका होल है 19.5 mm। ओके, फीचर में जाना है, एक्सट्रूड बॉस बेस, इसकी वॉल थिकनेस 3 mm, फिलेट अप्लाई करेंगे 0.2 mm दिस डायमीटर एंड इनसाइड डायमीटर, इसको भी ब्रश टिल कलर सेम अप्लाई करना है, इसको गोल्डन कलर थोड़ा लुक वाइज अच्छा दिखेगा, हमारा कपल में फिट होगा उस तभी। इसको भी सेव कर देते हैं। कपल वॉशर 1 नंबर। अब एक दूसरा वॉशर भी हमें क्रिएट करना है, तो सिंपली इसको ही एडिट करके सेव एज कर देंगे हम। इसके डायमेंशन हम दे देते हैं, ये होल हो जाएगा 16.5 की जगह 16.5 कर देना हमें,
और डायमीटर कर देना है 22.3 और सिंपली ओके कर देना है। इसकी सिर्फ थिकनेस और बढ़ा देनी है हमें, 3 mm की जगह 6 mm करना है। तो इसको सेव एज करना है। कपल वॉशर 1 की जगह 2 कर दीजिए। तो अब हम एक रबर बूश बनाने वाले हैं, तो इसके लिए सिलेक्ट करेंगे फ्रंट प्लेन स्केच और एक सेंटर लाइन क्रिएट करेंगे। इसका मिड पॉइंट हम सेट कर देंगे, एक कॉर्नर रेक्टेंगल हमें क्रिएट करना है। इसके डायमेंशन अप्लाई करेंगे हम 23, तो इसका होल रहेगा 19 mm। इसका ओडी रहेगा 31 mm। थिकनेस थिकनेस 30 mm। ओके, इसको सेंटर में ले लेते हैं वर्टिकल 90 होल, 31 डायमीटर एंड 30 लेंथ, फीचर एंड रिवॉल्व बॉस बेस। ओके, फिलेट 0.5 mm, आउटर इनर। इसका अपीयरेंस सिलेक्ट करना है रबर और ग्लोसी रबर। इसका कलर अप्लाई करेंगे रेड कलर, सिंपली सेव करना है इसको। कपल बुश, अब हमने सारे पार्ट्स क्रिएट कर चुके हैं हम, तो अब हम इन सब पार्ट को असेंबल करेंगे। चलिए हम असेंबली क्रिएट करते हैं। असेंबली क्रिएट करने के लिए हम जाएंगे न्यू में, सिलेक्ट असेंबली, अब ये आपको पूछ रहा है पार्ट आपको कौन सा ओपन करना है, तो हम करेंगे कपल 1। ओके, और हमें यहाँ पे ड्रैग करना है। सिंपली हम यहाँ को यहाँ पे किसी कहीं भी इसको सेट कर देते हैं। प्लेन वाइट हम सिलेक्ट करते हैं, फिर से इंसर्ट कंपोनेंट में जाना है हमें और ये सेकंड फ्लैंज ओपन करनी है। इसको हम यहाँ पे रखेंगे और फिर करेंगे मेट। मेट फीचर आपको अप्लाई करना है, यहाँ पे सिलेक्ट करना है फ्लेंच के दोनों डायमीटर सिलेक्ट करने हैं और इनके रिलेशन कोसेंट्रिक, और फिर ओके करना है। फिर इस फेस को और इस फेस को सिलेक्ट करके
कोइंसिडेंट रिलेशन इसका करना है, और इसको लेकिन रिवर्स में करना है। ओके, फिर से इसका होल सिलेक्ट करेंगे, कोई भी होल सिलेक्ट कर लीजिए आप। मैं ये होल सिलेक्ट करता हूँ और इसका ये होल सिलेक्ट करता हूँ। मेक रिलेशन कोसेंट्रिक। देखिए सारे होल सेंटर में आ चुके हैं। फिर से इंसर्ट कंपोनेंट में जाना है आपको। इस बार हम सारे पार्ट्स एक साथ ही यहाँ पे ओपन कर देंगे। ये बोल्ट आ गया, बूस आ गया, वॉशर, और ये दूसरा वॉशर। मेट सिलेक्ट दिस होल एंड दिस डायमीटर। दिस फेस एंड वॉशर फेस मेक रिलेशन कोइंसिडेंट। बोल्ट डायमीटर बुश आईडी। ओके, दिस फेस एंड दिस फेस। बोल्ट डायमीटर एंड दिस बुश आईडी मेक रिलेशन कोसेंट्रिक। दिस डायमीटर दिस फेस एंड वॉशर फेस मेक रिलेशन कोइंसिडेंट। ओके, सिलेक्ट दिस बोल्ट डायमीटर एंड दिस होल। मेट एंड दिस डायमीटर मेक रिलेशन कोसेंट्रिक। सिलेक्ट दिस फेस एंड इनसाइड फ्लैंज फेस मेक रिलेशन कोसेंट्रिक कोइंसिडेंट। ओके, अब हमें क्या करना है, टूल बॉक्स में जाना है, टूल बॉक्स में जाना है, आईएस में जाके वॉशर स्प्रिंग वॉशर, और एक यहाँ से वॉशर पिकअप करना है, सिंपली ड्रैग करना है यहाँ पे। सिक्सटीन एमएम। ओके, ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए यहाँ पे, फिर एस्केप की दबा के क्लोज कर दीजिए। तो हमारा ये वॉशर यहाँ पे सेट हो चुका है। इस एक्स्ट्रा वॉशर को डिलीट कर दीजिए। फिर से एक बार टूल बॉक्स में जाएंगे। इस बार अनसिमेट्रिक नट हेक्स नट
और यहाँ से नट को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। इसकी साइज हम ले लेंगे 16 mm। सिमेट्रिक और ओके। इसको हमें यहाँ पे सेट करना है। इसको भी एस्केप कर दीजिए और क्लोज कर दीजिए। एक्स्ट्रा नट को डिलीट करना है हमें। अब हम ये सारे पार्ट्स यहाँ पे सर्कुलर पैटर्न की मदद से सेट करेंगे। तो जो आपको जाना है सर्कुलर पैटर्न कंपोनेंट, सर्कुलर कंपोनेंट पैटर्न, यहाँ पे कौन कौन से कंपोनेंट हमें सिलेक्ट करने हैं। तो सबसे पहले बोल्ट, बुश, वॉशर, वॉशर, स्प्रिंग वॉशर एंड नट। इसका पैटर्न एक्सिस डायमीटर हम ये इसको सिलेक्ट करते हैं। पैटर्न कितने चाहिए हमें, 8 नंबर, और सिंपली ओके कर दीजिए। तो देखिए हमारे सारे पैटर्न यहाँ पे सेट हो चुके हैं। इनको भी गोल्डन कलर हम अप्लाई कर देते हैं। तो सब वॉशर और स्प्रिंग वॉशर और नट को सिलेक्ट करना है और इनका कलर अप्लाई करना है। टू हंड्रेड 175 0, ओके। देखिए हमारा कपल सेट हो चुका है। तो अब हम इसे एक्सप्लोर व्यू में क्रिएट करेंगे। तो इसका एक्सप्लोर व्यू करने के लिए हम इसे पहले सेट कर देते हैं। तो इस तरह से हमने सेट कर दिया है। तो अब हमें एक्सप्लोर व्यू में जाना है, सिलेक्ट दिस एंड सिलेक्ट ऑल नट। ये जितनी भी सारी नट है हमें इस पहले सिलेक्ट कर देनी है। फिर से इसकी पोजीशन सेट कर देते हैं और इसको इस एरो की मदद से इसको ड्रैग करना है और फिर डन कर देना है। फिर से ये सारे स्प्रिंग वॉशर हमें सिलेक्ट करने हैं। इसकी पोजीशन एकदम अच्छे से हमें सेट करनी है ताकि एक्सप्लोर होने के बाद ये अच्छी तरह से सारे पार्ट्स हमें दिखने चाहिए। इसको भी ड्रैग कर देते हैं और यहाँ पे छोड़ देते हैं। अब हमें बैक साइड में जाना है। बैक साइड में ये सारे बोल्ट सिलेक्ट करने हैं आपको।
इसको भी ड्रैग कर देना है। ओके, फिर से वॉशर सिलेक्ट करने हैं, 8 नंबर ऑफ वॉशर। सबकी लाइन एक रहनी चाहिए, इसको भी ड्रैग कर देते हैं एंड डन। अब सारे बूट सिलेक्ट करने हैं, डन। अब अंदर वाले वाइशर को सिलेक्ट करना है, इसको भी ड्रैग करना है हमें और डन कर देना है। अब इस साइड वाली फ्लेंज को सिंपली हमें ड्रैग करना है और डन, फिर ओके। तो देखिए इस तरह से ये हमने सारे पार्ट्स इसको एक्सप्लोर कर दिए हैं। अब सिंपली हमें यहाँ जाना है, इसको राइट क्लिक करना है और एनिमेट कोलैप्स। एक्सप्लोड और कोलैप्स दोनों के एनिमेशन यहाँ पे आपको शो होने लगेंगे। इसको रोकने के बाद आप यहाँ से इसको सेव भी कर सकते हैं, मैं फ़िलहाल इसको सेव नहीं कर रहा हूँ। तो हमें जाना है मोशन स्टडी में, मोशन स्टडी में जाना है और फिर जाना है एनिमेशन विजार्ड। इसके रोटेट मॉडल को छोड़ देना है हमें, एक्सप्लोड में को सिलेक्ट करना है, फिर नेक्स्ट करना है। इसका ड्यूरेशन 7 सेकंड है, एक्सप्लोड होने का स्टार्ट टाइम 0 और फिर फिनिश करना है। फिर से हमें जाना है एनिमेशन विजार्ड में, इस बार कोलैप्स, कोलैप्स को सिलेक्ट करना है, उसके बाद नेक्स्ट, 7 स्टार्ट टाइम, इसका भी 7 सेकंड हमें करना है और फिर फिनिश कर देना है और फिर कैलकुलेट करना है। तो इस तरह से हमने ये कपल फ्लेंज क्रिएट किए हैं पार्ट्स, और इसके एनिमेशन के साथ आपको अच्छे से समझाया दिखाया। आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल हो ऐसा ऐसी मैं कामना करता हूँ। आपका कोई भी इस तरह का जॉब, कोई वर्क हो, आपको बेटर इससे कुछ हेल्प मिल सकेगी। और वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।